Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will tell you about use of could. इस वीडियो में हम could का प्रयोग बताएंगे. could का प्रयोग जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में सकता था या सकती थी या सकते थे या सका सकी जो कि ऐसे वर्ड आ जाएं वो सभी पास्ट टेंस में could का प्रयोग किया जाएगा. ये सभी सेंटेंसेस पास्ट के होते हैं. तो इस वीडियो में हमने टोटल 15 सेंटेंस कवर किए हुए हैं. अफर्मेटिव के 5, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के 5 सेंटेंस लिए हैं. एग्जाम्पल को सॉल्व करके दिखाया गया है. तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसमें हम कुड को पूरी तरह से अच्छे से समझा देंगे. तो कुड वाले जो सेंटेंस होंगे उसका स्ट्रक्चर जो इस तरह से होगा. अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमने लिखा है, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले. इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैं, आप, हम हो, आई, बी, यू, दे या कोई भी हो, सब में कुड का ही प्रयोग करेंगे. तो इसमें सब्जेक्ट लिखने के बाद कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इतना लिखा जाएगा. तो चलिए पहला सेंटेंस इसमें बना के देखते हैं. मैं वहाँ पहुँच सका, इसमें कुड लगेगा. तो यहाँ पर आई के लिए मैं है तो आई लिखेंगे, ये आई लिख लिया. कुड, सी ओ यू एल डी, कुड हो गया. और रीच मीन्स पहुंचना होता है. देखिए फर्स्ट फॉर्म ये लिखिए, री कुड के बाद रीच लिखेंगे, आर ई ए सी एच, रीच. रीच मीन्स होता है पहुंचना. और वहां के लिए देयर, टी एच ई आर ई, देयर. लास्ट में फुल स्टॉप, कंप्लीट हुआ. अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, आप समय पर पहुंच सके. आप की लिखेंगे यू, यू मीन्स आप होता है, यू. कुड इसमें भी लगाएंगे, कोड, रीच. ऑन द टाइम हो जाएगा, समय पर है इसलिए ऑन द, ऑन टाइम लिख दीजिए, द मत यूज कीजिएगा, ऑन टाइम. नेक्स्ट है हम लोग, उसके साथ अंग्रेजी बोल सके. तो इसमें हम लोग की बी लिखेंगे और बी मीन्स भी हम होता है. तो बी कोड, सी ओ यू एल डी, कोड. स्पीक मीन्स बोलना होता है. तो यस पी ई ए के, स्पीक. ये फर्स्ट फॉर्म हो गई. इंग्लिश लिखेंगे, अंग्रेजी की इंग्लिश, ई एन जी एल आई एस एच, इंग्लिश. उसके साथ है तो विद हिम लिखेंगे, हिम मीन्स उसके साथ. तो इस तरह से बन गया तीसरा वाला. नेक्स्ट है राहुल प्रिया के साथ नाच सका. तो यहाँ पर सब्जेक्ट है जो राहुल है, तो इसे लिखेंगे शुरुआत में, तो R A H U L, राहुल. इसमें भी कोड का यूज कर लेंगे, C O U L D, कोड. डांस, डांस मीन्स होता है नाचना, ये फर्स्ट फॉर्म है. डांस रिया के, प्रिया के साथ, तो विद प्रिया, P R I, बाई ए प्रिया. नेक्स्ट है लड़के वह काम ठीक तरह कर सके. तो यहाँ पर लड़के की हो जाएगी द बॉयज, तो द बॉयज. कोड, डू मीन्स करना होता है, फर्स्ट फॉर्म करना की हो गई डू. वह काम है तो दैट वर्क हो जाएगा, डब्ल्यू आर के, वर्क. अब प्रॉपरली लिखेंगे, प्रॉपरली मीन्स ठीक तरह से, पी आर ओ पी ई आर एल वाई, प्रॉपरली मीन्स ठीक तरह से. तो ये हुआ द बॉयज कुड डू That work properly. अब देखते हैं निगेटिव वाला. निगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम ही है, बस could के बाद not लग जाएगा. तो सब्जेक्ट could, फिर not, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट. तो इसमें पहला सेंटेंस लिखा है, वे लोग तेज नहीं दौड़ सके. वे लोग की लिखेंगे, इसमें हो जाएगा दे, दे मीन्स होता है वे या वे लोग. कोड, सी ओ यू एल डी, कोड. नॉट, रन मीन्स दौड़ना होता है, आर यू एन, रन, फास्ट. तो इस तरह से पहला बन जाएगा. अब देखते हैं नेक्स्ट, मैं फिल्म नहीं देख सकता था. तो इसमें आई लिखेंगे, ये सब्जेक्ट हो गया. कोड, सी ओ यू एल डी, कोड. नॉट वाला है तो नहीं के लिए नॉट. देखना की होती है वॉच या सी, एस डबल ई सी लिख सकते थे, वॉच भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए टी सी एच, वॉच. वॉच मीन्स देखना होता है. फिल्म है मूवी, तो एम ओ बी आई ई, मूवी. नेक्स्ट लिखा है तुम घर नहीं पहुंच सके.
तो इसमें हो जाएगा यू, यू लिख लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे कुड, यहाँ पे कुड हो जाएगा सी ओ यू एल डी कुड। अब इसमें लिख देंगे नॉट, नहीं के लिए नॉट होता है, और रीच मीन्स पहुँचना होता है, रीच होम एच ओ एम ई होम। तो इस तरह से तीन सेंटेंस बन गए, यू कुड नॉट रीच होम। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है राजा हमारी मदद नहीं कर सके थे, तो इसमें जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो है किंग, तो यहाँ पर हो जाएगा द किंग कुड नॉट लगाएंगे, सी ओ यू एल डी कुड नॉट हेल्प, हेल्प मीन्स सहायता करना होता है या मदद करना, तो हेल्प अस हमारी है तो अस हो जाएगा, तो द किंग कुड नॉट हेल्प अस। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है वह स्कूल नहीं जा सका, तो ही हो जाएगा, कुड नॉट गो टू स्कूल, यस सी एच डबल ओ एल। तो इस तरह से नेगेटिव के पांच सेंटेंस कंप्लीट हुए। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव के, इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है उसे पहले देखिए। यहाँ पर हिंदी वाक्य में जब क्या आ जाएगा शुरुआत में, तो कुड का यूज करेंगे, यहाँ पर व्हाट नहीं लिखेंगे, स्टार्टिंग व्हाट से नहीं की जाएगी, तो यहाँ पर कुड शुरुआत में लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट अगर निगेटिव पढ़ रहा है तो नॉट यूज कर लेंगे, नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और भेयर वेन ये सब आ जाए कहाँ कौन कैसे कब, तो उसको लिखेंगे पहले फिर कुड लगेगा। तो इसमें के दो एग्जाम्पल हमने आगे बताए हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो हम क्या वाला पहले देखेंगे, क्या वे लोग आपकी मदद नहीं कर सके, तो इसमें इसमें क्या आ गया है, सबसे पहले तो हमें क्या के स्पेलिंग नहीं लिखना है, हमें स्टार्टिंग करना है कुड से। ये स्ट्रक्चर में लिखा है कुड, तो सी ओ यू एल डी कुड हो गया। अब देखेंगे सब्जेक्ट, यहाँ पर वे लोग है तो दे, दे मीन्स वे होता है और वे लोग भी होता है। यहाँ पर बताया था निगेटिव पड़ जाए तो नॉट। अब यहाँ पर नेक्स्ट आगे हेल्प, मदद है तो हेल्प यू, आपकी या तुम्हारी, तो यू हो जाएगा, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, फुल स्टॉप नहीं लगेगा। नेक्स्ट है क्या तुम मैच नहीं देख सके, तो यहाँ पर भी कुड का यूज करेंगे, यू कुड यू नॉट सी, सी मीन्स देखना और वॉच मीन्स भी देखना है, द मैच एम ए टी सी एच, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है क्या बच्चे यहाँ नहीं आ सके, तो इसमें सबसे पहले कुड लिखेंगे, सी ओ यू एल डी कुड द चिल्ड्रेन, ये है सब्जेक्ट बच्चे, सी एच आई एल डी आर ई एन चिल्ड्रन, नॉट कम मीन्स आना होता है, सी ओ एम ई कम हेयर एच ई आर ई हेयर, फुल स्टॉप में लास्ट में क्वेश्चन मार्क कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं चौथा सेंटेंस, राधा कहाँ गाना गा सकी थी, तो इसमें कहाँ आ गया है, तो ये डब्ल्यू एच वर्ड पहले लिखेंगे, भेयर मीन्स कहाँ होता है, तो डब्ल्यू एच ई आर ई भेयर। अब इसमें यूज करेंगे कुड, जस्ट भेयर के बाद कुड, अब राधा की हो जाएगी आर ए डी एच ए राधा, सिंग मीन्स गाना होता है, सॉन्ग कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं लास्ट वाला सेंटेंस, लिखा है मैं वहाँ कब जा सका था, तो बहन लिखेंगे कब की, डब्ल्यू एच ई एन ये बहन यूज कर लेंगे पहले, अब इसमें कोड लगेगा सी ओ यू एल डी कोड, आई सब्जेक्ट है, गो मीन्स जाना होता है, फर्स्ट फॉर्म हो गई गो, और देयर मीन्स वहाँ, इस वाले वहाँ की देयर कर देंगे, देयर टी एच ई आर ई देयर। तो इस तरह से हमने टोटल सेंटेंस कंप्लीट कराए हैं 15। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एक कुड वाला सेंटेंस पसंद आया होगा। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने क्लास के दोस्तों के साथ जो स्पीकिंग में इंटरेस्ट लेते हैं उनके पास भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।